जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैथ्स पैडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चंस की इस सीरीज़ के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों हमारी यह टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और दो वीडियोज़ इसके पहले आ चुकी हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती है और टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करके इन PDFs को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल वेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51। मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल्यांकन है क्या। मूल्यांकन से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आपका MPTET वर्ग 3 हो, CTET हो, UPTET हो, या फिर कोई भी TET एग्जाम हो, जहां पर मैथ्स पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मूल्यांकन को जानते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी भी छात्र के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र किसी भी विषय में कमियां, उनकी रुचियां और उनकी प्रतिभा आदि के बारे में आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है मूल्यांकन। और यहाँ पर जो है मूल्यांकन के उत्तम उपकरण की विशेषता होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता, ये तीनों किसी भी मूल्यांकन में होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है निम्नलिखित में से। तो छात्रों की उपलब्धि की जानकारी, शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन, परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण करने, या फिर सार्थक भविष्यवाणी। ठीक है, तो मूल्यांकन के द्वारा क्या क्या होता है यहाँ पर? तो छात्रों की उपलब्धता के बारे में जानकारी पता चलती है। ठीक है, शिक्षक के शिक्षण में मार्गदर्शन मिलता है और सार्थक भविष्यवाणी भी की जा सकती है छात्र के संबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं हो, परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण नहीं किए जाते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 लिखा हुआ है मूल्यांकन की उपयोगिता है, मूल्यांकन की उपयोगिता है। ठीक है, तो बालकों के लिए मूल्यांकन की उपयोगिता है, बालकों की यहाँ पर कमियों के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी प्रति रुचियों की प्रतिभा आदि की जानकारी मिलती है, तो मूल्यांकन की उपयोगिता है बालकों के लिए। ठीक है, अध्यापक के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता है, अध्यापक अपने जो पाठ है, जो अपना क्रियाक्रम है आगे का, वह निर्धारित कर सकते हैं मूल्यांकन के जरिए। ठीक है, इसके अलावा पाठ्य संबंधी क्रियाओं में सुधार भी किया जा सकता है, तो ये सभी मूल्यांकन की उपयोगिता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन है। ठीक है, कोठारी आयोग, सबसे पहले तो हमें कोठारी आयोग पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जब हम दोस्तों कोठारी आयोग की बात करते हैं, सन 1964 में, कितने में, 1964 में भारत की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, यह नाम आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनकी अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षा नीति के लिए जो आयोग गठन किया था, इसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार मूल्यांकन है, तो इसके अनुसार मूल्यांकन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन क्या है, तो यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, कागजी मुद्रा छापने का श्रेय किस बैंक को है? कागजी मुद्रा छापने का श्रेय किस बैंक को है? चार ऑप्शन आपके सामने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो कागजी मुद्रा छापने का श्रेय है, कौन छापता है कागजी मुद्रा? तो रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा कागजी मुद्रा छापी जाती है, और यहाँ पर 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये के जितने भी नोट होते हैं ये रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का जो नोट है यह भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, और 1 रुपये के नोट पर जो साइन होते हैं इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है, वित्त सचिव के साइन होते हैं, और 2000 से 2000 रुपये के जो नोट होते हैं उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, जिस गवर्नर के शासनकाल में नोट जारी किया होगा उस गवर्नर के साइन होंगे 2000 से 2000 रुपये तक के नोट पर। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है पाठ्य वस्तु में संशोधन से, अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन से, बालक के व्यवहार में परिवर्तन से, या फिर परीक्षा प्रतिनिधियों में परिवर्तन से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में परिवर्तन से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 57, मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं हैं, मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं हैं, तो मूल्यांकन में किस किस का प्रयोग किया जाता है? मौखिक परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, लिखित परीक्षा के द्वारा, टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन होता है, प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं, तो इन सभी परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है, एक उत्तम परीक्षण की शर्त क्या होगी? सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करना, बिल्कुल करना, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना जो परीक्षण होता है, और ऑप्शन सी है व्यवहार परक। ठीक है, तो जो परीक्षण होगा एक उत्तम परीक्षण के ये सभी उद्देश्य होंगे, ये सभी गुण होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक उत्तम परीक्षण की शर्तें हैं, तो सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करना, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना एवं व्यवहार परक होना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59, विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तो विचार गोष्ठी से जो हमारा तात्पर्य हो जाता है वो विचार विमर्श करने के लिए जो सामान्य सभाओं का आयोजन किया जाता है, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, स्टेट स्तर पर हो, यहाँ पर जो विचार विमर्श करने के लिए छात्रों के बीच सभाएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर हो सकती हैं गोष्ठियाँ। ठीक है, तो इनका आयोजन किया जा सकता है, जिला स्तर पर किया जा सकता है, विद्यालय स्तर पर किया जा सकता है, और कक्षा स्तर पर भी किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। ठीक है, तो अध्यापक संबंधी कौन सी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होगी? ऑप्शन ए है अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, अध्यापक की शिक्षण में रुचि कम होना, या फिर अरुचि होना। ठीक है, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन ना कर पाना, तो शिक्षक की समस्या है, ये सभी जो है इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग सीखने के उद्देश्य से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन में उपर्युक्त सही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जाम बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, एक या दो क्वेश्चंस का आंसर उपर्युक्त सभी हो सकता है। यहाँ पर हमारे लिए सीखना है, इसलिए हमें अधिक से अधिक जानकारी पता होनी चाहिए क्वेश्चन के संबंध में, इसलिए यहाँ पर अधिक से अधिक जो है विकल्प हैं उनको सही रखा गया है जानबूझकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो 10 क्वेश्चन इस वीडियो के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, विषयों में सहसंबंध होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों गणित के पाठ्यक्रम में निर्माण के सिद्धांत में इन सभी का अनुसरण किया जाना चाहिए, इन सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित गणित में ही नहीं अद्यापि किसी भी सब्जेक्ट में, लगभग सभी सब्जेक्ट में पाठ्यक्रम जो बाल केंद्रित हो तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुगमता के साथ छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त
सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62, किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है, किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगम विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या परोपलक्ष्य सभी। ठीक है, तो अर्जित ज्ञान, ज्ञान अर्जित किया जाता है आगमन विधि के कारण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आगम विधि, जो कि निम्न कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है, उदाहरणों से यहाँ पर अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं विशिष्ट से निम्न की ओर चलते हैं, आगमन विधि में, विधियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन सभी वीडियोस में हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस यदि आपने पहले वाली नहीं देखी है तो उन्हें आप देखना ना भूलें। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन विधि, किसी विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है, किस विधि में, तो आगमन विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की नींव आधारित है, विज्ञान की नींव आधारित है वह गणित पर, विज्ञान पर, मनोविज्ञान पर, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो विज्ञान की नींव आधारित होती है गणित पर, गणित ही विज्ञान की नींव है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, गणित विषय में अभ्यास कार्य है, महत्वपूर्ण है, अनावश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है या फिर अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गणित विषय में अभ्यास कार्य है, तो गणित विषय में अभ्यास कार्य कैसा होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो गणित का कोई महत्व नहीं है, वहां पर गणित को सीखा ही नहीं जा सकता है विदाउट अभ्यास के, बिना अभ्यास के। ठीक है, तो यहां पर जो अभ्यास कार्य है गणित में वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये जो 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, इसका जो 65 क्वेश्चन है यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में जो फोर्थ क्लास होगी उसमें हम 76 से 100 क्वेश्चन को, टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी क्लास को देखते रहें, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिखा हुआ है गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है, गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है। पहले हमने यहां पर देखा गणित विषय में अभ्यास कार्य है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब यहां पर हम देखेंगे गणित में अभ्यास कार्य का लाभ कौन कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, अभ्यास कार्य से छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, गणित विषय में छात्रों की कुशलता बढ़ती है, तो कुशलता भी बढ़ती है अभ्यास कार्य से, चाहे गणित का अभ्यास कार्य हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का अभ्यास कार्य हो, उस सब्जेक्ट में कुशलता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, गणित में अभ्यास कार्य के लाभ है, तो ये सभी यहाँ पर गणित में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अभ्यास के लाभ हो सकते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66, गणित विषय में गृह कार्य देने के लाभ हैं, गणित विषय में गृह कार्य देने के लाभ हैं। ठीक है, योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं, अवकाश में समय का सदुपयोग होता है, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन बढ़ता है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, गणित में गृह कार्य देने के ये सभी लाभ होते हैं, योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों को, अवकाश के समय समय का सदुपयोग भी हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन सी स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित, स्वयं के द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, लिखा हुआ है गृह कार्य देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, गृह कार्य देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार किया जाना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए गृह कार्य। ठीक है, यहाँ पर छात्रों की रुचियों पर ध्यान देना दिया जाना चाहिए गृह कार्य देते समय, उनकी आदतों पर, उनकी कमजोरियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, छात्रों की रुचि व योग्यता अनुसार होना चाहिए गृह कार्य। और ऑप्शन सी है, कार्य की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 लिखा हुआ है, शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक का गुण है, शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक का गुण है। ठीक है, विषय का ज्ञाता हो अध्यापक, शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को, बालकों के प्रति बालकों की प्रकृति को समझ सकने वाला हो, कौन, शिक्षक, अध्यापक या फिर शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक के गुण हैं, अध्यापक की ये सभी गुण होने चाहिए, उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस विषय का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और ऑप्शन सी है, बालकों की प्रकृति को समझनी चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है,
विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां या फिर व्यायाम, ठीक है। तो उपचारात्मक, सबसे पहले हमें उपचारात्मक शिक्षा क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उपचारात्मक से यहाँ पर हमारा क्या आशा है, उपचारात्मक शिक्षा शिक्षण एक प्रकार की शिक्षण विधि होती है, ठीक है, या फिर ये अनुदेशनात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। सबसे पहले निदानात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। निदानात्मक प्रक्रिया क्या है, तो निदानात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य है कि छात्रों को छात्र होते हैं, कोई छात्र विशेष या अनेक विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु या प्रकरण को ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन कारणों का पता लगाना होता है निदानात्मक प्रक्रिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे निदानात्मक प्रक्रिया को, तो यहाँ पर उम्मीद है आप समझ पाए होंगे निदानात्मक का अर्थ और उपचारात्मक का अर्थ, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण की विधि क्या नहीं है, व्यायाम नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यायाम, ठीक है। इसके अलावा विशिष्ट अभ्यास के द्वारा उपचारात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा उपचारात्मक शिक्षा को अपनाया जाता है, और ऑप्शन डी है गोष्ठियों के द्वारा भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी व्यायाम जो है उपचारात्मक शिक्षा की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षा का लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन ए है छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षा से, शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है, ठीक है, छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है। तो उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षा के ये सभी लाभ हैं, उपर्युक्त डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षा से छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, शिक्षण की प्रभावशाली एवं प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, और छात्रों को भविष्य में होने वाले त्रुटियों से बचाया भी जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारतवर्ष में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन है बिल्कुल, भारतवर्ष में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है, ठीक है। तो कागज के नोट के का प्रचलन है और धातु के सिक्कों का प्रचलन है, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आ एवं बा दोनों, ठीक है, कागज के नोट एवं धातु के सिक्कों दोनों मुद्राओं का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 लिखा हुआ है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर साल भर में एक बार, हर महीने में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, उपचारात्मक कार्य आवश्यक है क्योंकि उपचारात्मक कार्य से हमारे लिए छात्रों की कमजोरियों के बारे में पता चलता है, और जो उनके कमजोरियों के बारे में हमारी निदानात्मक प्रक्रिया से पता चलता है, और निदानात्मक प्रक्रिया के बाद उनकी कमजोरियों को ठीक करने के लिए उपचारात्मक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो गणित सार संग्रह नामक जो पुस्तक है यह लिखी कब गई थी, तो यह 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में मैसूर के महावीराचार्य कहाँ के थे, मैसूर के, आप ये भी याद रख सकते हैं, इन्होंने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं महावीराचार्य, ये मैसूर के हैं और 9वीं शताब्दी में लिखी थी गणित सार संग्रह नामक शिक्षक, और इसमें जो है इन्होंने लघुत्तम समवर्तक निकालने के प्रचलित तरीकों का वर्णन किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गणित सार संग्रह नामक जो पुस्तक है उसमें किन तरीकों को बताया गया है, ठीक है। तो उसमें लघुत्तम समवर्तक निकालने के तरीकों की जानकारी दी गई है, और यह महावीराचार्य के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है, प्रथम गणितज्ञ जिसने शांकवों का प्रतिपादन किया, ठीक है। यहाँ पर शांकवों के प्रतिपादन की बात हो रही है, ये में से प्रथम गणितज्ञ कौन से हैं, ठीक है। तो शांकवों का और इनका जो प्रतिपादन करने वाले गणितज्ञ हैं वे हैं मेनेकमस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेनेकमस, ठीक है। इन्होंने जो है गणित में शंकुओं का प्रतिपादन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 75 लिखा हुआ है, निम्न में से किसका आधार गणित ही है, निम्नलिखित में से किसका आधार गणित ही है, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, भूविज्ञान के, अपरोक्त सभी का, ठीक है। तो कोई भी विज्ञान हो, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि विज्ञान का आधार गणित है, वहां पर ये मायने नहीं रखता है कि कौन सा विज्ञान है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन
रसायन विज्ञान हो या फिर भूगर्भ विज्ञान हो, सबका आधार यहाँ पर गणित होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरमाला भी दी गई है, ये उत्तरमाला आप जब ये PDF डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से तो आप ये उत्तरमाला ये आपके काम में आएगी, ठीक है। जब चारों क्लासेस हो जाएंगी तो चारों क्लासेस की एक PDF भी बनाई जाएगी, बना दी जाएगी और वो भी अपलोड की जाएगी, और ये जो 25 क्वेश्चंस की PDF है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।